तो दोस्तों जवान मूवी की थर्ड डे की कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। कल सैटरडे था, कल इस मूवी ने 74 करोड़ रुपए इंडिया में कमाए, जिसमें 66 करोड़ रुपए इसने हिंदी वर्जन में कमाए और बाकी के इसने तमिल और तेलुगु वर्जन में कमाए। मतलब शुक्रवार के मुकाबले सीधे 22 करोड़ रुपए की जंप, और ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मूवी ने 66 करोड़ रुपए एक सिंगल डे में हिंदी वर्जन में कमाया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। बॉलीवुड की सिंगल डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था फ्राइडे को, कल मैंने आपको बताया था कि इसके जो सैटरडे के कलेक्शन है वो काफी जबरदस्त आने वाले हैं। आपको याद देख लीजिए, शनिवार है, लोगों की छुट्टी भी है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं इसका आज का जो कलेक्शन है कल फ्राइडे के कलेक्शन से ज्यादा ही होगा। और अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि मैंने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ। तो कल सैटरडे को भी इस मूवी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, फ्राइडे को इस मूवी ने सिर्फ 53 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसने हिंदी वर्जन में सिर्फ 47 करोड़ रुपए थे। मतलब ये 30% से भी ज्यादा का ड्रॉप था। शाहरुख खान की किसी भी मूवी को आज तक दूसरे दिन 30% से ज्यादा का ड्रॉप नहीं मिला, इसको मिला। इसका रीजन ये है कि फ्राइडे नॉन हॉलीडे डे होता है। वो सैटरडे को इस मूवी का कलेक्शन 35% से ज्यादा एकदम से बढ़ गया। ऐसा आज तक बॉलीवुड की किसी मूवी के साथ नहीं हुआ कि मूवी रिलीज हुई और तीसरे दिन उसके कलेक्शन में लगभग 35% का हाइक आया हो, इतना उसने कमाई ज्यादा बढ़ाई हो। ये भी पहली बार है, तो ये रिकॉर्ड भी जवान के नाम। मैं पठान बोलने वाला था, खैर पठान हो या जवान एक ही बात है, बात हम शाहरुख खान की मूवी की कर रहे हैं, शाहरुख खान की कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑक्युपेंसी के बारे में। कल यानी कि शनिवार को थिएटर में इस मूवी की ऑक्युपेंसी रही 62% के राउंड पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिंदी वर्जन में। वहीं पर तमिल में इसकी ऑक्युपेंसी रही 55% के राउंड। ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज मैंने नोट करी, तेलुगु जो वर्जन है उसमें जो ऑक्युपेंसी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा है। कल जो ऑक्युपेंसी रही वो 68% थी। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो भी देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि फ्राइडे को भी इस मूवी में तेलुगु वर्जन में जो ऑक्युपेंसी थी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा थी, 55% के राउंड थी। अब अगर ऑक्युपेंसी ज्यादा है तेलुगु वर्जन में तो क्या ये समझा जाए कि तेलुगु वर्जन ने ज्यादा कमाई करी? ऐसा नहीं है। तमिल वर्जन ने कल 5 करोड़ रुपए के अराउंड कमाए और तेलुगु वर्जन ने 3.5 करोड़ रुपए कमाए। तो इसे क्या समझे? सिंपल सी बात है, तेलुगु वर्जन में जो स्क्रीन है वो बहुत कम दिए गए हैं, तमिल में ज्यादा दिए गए, जिसकी वजह से तेलुगु में ज्यादा ऑक्युपेंसी होने के बावजूद पैसा कम है। और इसी के बेस पे मैं रेड चिली एंटरटेनमेंट से गुजारिश करता हूँ, आप देख लीजिए कि आपकी तमिल में जो ऑक्युपेंसी है थिएटर्स में, लोग जो देखने जा रहे हैं मूवी को वो कम जा रहे हैं, जबकि तेलुगु में ज्यादा जा रहे हैं। तो आप तमिल की जो स्क्रीनिंग है कुछ स्क्रीन्स तेलुगु में शिफ्ट कर दीजिए, आपका भला हो जाएगा और शायद वहां की पब्लिक का भी भला होगा, जिनको शाहरुख खान को देखना है, नयनतारा को देखना है, विजय सेतुपति को देखना है। लेकिन मैं जानता हूं आप मेरी बात मानोगे नहीं, क्योंकि आप मुझे सीरियसली लेते ही नहीं हो। खैर अगला रिकॉर्ड जो जवान ने तोड़ा वो ये है कि ये 3 दिन में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है ऑल वर्जन में। इसने लगभग 200 करोड़ रुपए कमाए हैं 3 दिन में। अब अगला रिकॉर्ड जवान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ में जुड़ा है। जवान ने 3 दिन में 350 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही ये दुनिया में भारत की कोई पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने 350 करोड़ रुपए कमाए हैं 3 दिनों में। इससे पहले हाईएस्ट जो ग्रोसिंग मूवी थी वो थी आदिपुरुष, जिसने 3 दिनों में 340 करोड़ रुपए कमाए थे। इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बना दिया। अगला रिकॉर्ड, शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है भारत की पहली मूवी बन चुकी है। और भी बहुत कुछ, जैसे कि शाहरुख खान की पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने सिंगल डे में इतने पैसा कमाए, शाहरुख खान की पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने वर्ल्ड वाइड 3 दिनों में इतना पैसा कमाया, शाहरुख खान की पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने 3 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करी। तो शाहरुख खान से रिलेटेड ये सारे रिकॉर्ड हैं, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इसके जो अभी बने हैं और आगे बनने वाले हैं। अब देखना यह है कि मूवी आज कितना कमाई करती है। हालांकि मुझे लगता है ये मूवी कल से ज्यादा कमाई करेगी। आज मुझे लगता है कि 75 से 78, 80 तक भी जा सकती है ये मूवी। बाकी प्रेडिक्शन से रिलेटेड अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो डालने वाला हूं, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अगर ये जानकारी एंटरटेनिंग लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी और मिलती रहे। और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।